क्या बदतमीजी है? बदतमीजी होती क्या है, ये तो मैंने बताया नहीं अभी तुम्हें सही तरह। दो दिन दे रहा हूं तुम्हें ये गांव छोड़ के जाने के लिए, वरना मानूर का हरासा करने का ऐसा केस ठोकूंगा कि कराची से भी वकील बुला लोगे तो कुछ नहीं होगा। जाने का वक्त हो गया। अपना ख्याल रख। अपना भी ख्याल रखना और शहराओं का। बेटा वो ट्रेन आने वाली है। आजा। खुदा हाफिज़। आजा। करवाएं लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ओके। उसके अलावा नहीं कर। जय बाजे। आप लोग जाइए। आ जाएं आ जाएं। बैठिए। आपने बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया था। हाँ वो डाइंग डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं बड़े मुफ्तखोर हैं, सही से काम नहीं करते। एक लिस्ट बनाएं, पता करें कौन काम कर कौन नहीं करते। लेकिन सर। जी आलिया बोलिए। नहीं फैक्ट्री में था। बोले ओ तो मैं बाद में कॉल कर लेती हूँ। नहीं नहीं बात हो सकती है। ऐसे कॉल की थी, इतने दिनों से ना बात हुई ना मुलाकात। मुलाकात होने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। हमारी शादी हो रही है, यही वजह काफी नहीं है? नहीं नहीं मुलाकात कर लेते हूँ, ये वजह भी काफी है। अभी मैं आपको करता हूँ थोड़ी देर में कॉल में, जरा मीटिंग है, ठीक है? ऑफिस। ओके अल्लाह। कहाँ जा रही थी? आप फोन पर बात कर रहे थे। तो तुमसे भी तो बात कर रहा था। ये अकाउंट्स में दे देना, मोइन साहब को बोलना इसका एडिट करवा के कराची भिजवा दो। आज तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप। आप भी। मैं तो रोज ही ऐसा लगता हूँ, आज क्या खास बात है? अच्छा घर पे सब ठीक है? जी बस आज सुबह मैं स्टेशन गई थी। स्टेशन खैरियत से? शराम जो बात मैं आपसे कहने आई हूँ, शायद वो सुनने के बाद
आप मेरा चेहरा देखना भी गवारा नहीं करेंगे। मानूरी कैसी बात कर रही हैं आप? खैर, जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ उसके बारे में मुझे कुछ ऐसा ही अच्छा है। तो आप पहले कहिए। नहीं, पहले आप। मेरे लिए ये सब कुछ कहना इतना आसान नहीं है। मेरे लिए भी बिल्कुल आसान नहीं है। सॉरी, इसको मैं साइलेंट पे कर दूं ताकि हमें कोई तंग ना करे। जी, अब बताइए। शहराम, आपके आसपास बहुत खतरा है और आपको मोहतात रहने की जरूरत है। छे? किससे मोहतात रहने की जरूरत है? आपका फोन आ रहा है। आज ये तारीख है? क्या हुआ? आज छोटी अम्मी की सालगिरह है। And can you believe it? मेरे ज़हन से निकल गया बिल्कुल। आपको जाना है तो आप चले जाएं, हम बाद में बात करेंगे। मुझे भी स्कूल के लिए देर हो रही है, बार बार कॉल भी आ रही है। एक सेकेंड। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तैमूर जी, बस वो भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अच्छा जी, ओके। लेकिन आप पहले प्लीज जो बात कह रही थी वो मुकम्मल कर लें। फिर कभी। बस आप अपना बहुत ख्याल रखें, लोगों पर भरोसा करना छोड़ दें। इन लोगों पे भरोसा करके ही तो यहाँ तक पहुंचा हूँ जिंदगी में। अगर लोगों से भरोसा उठ गया तो जिंदगी जिंदगी कहलाने के लायक ही कहाँ रहेगी। खैर, अभी मैं अम्मी जान के पास जा रहा हूँ और उसके बाद मैं स्कूल की साइट पे जरूर आऊंगा। ये तैमूर को बता दीजिएगा, ठीक है? ओके। वालेकुम सर। बैठिए। बड़ा शौक था मुझे आपसे मिलने का। जी। आपकी बेटी की जहानत को देख के दिल में ख्याल आया था कि जो लड़की इतनी जहीन हो उसके माँ बाप कितने ज्यादा होशियार होंगे। आपकी एक और बेटी भी है ना? जी जी। वो भी काम करती है? छोटी पढ़ती है जी। अच्छी बात है, बेटियों को इतनी आजादी आपने दी हुई है। लेकिन इतनी ज्यादा आजादी देना भी अच्छी बात नहीं है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे। अच्छा, मेरा तो ख्याल था आपको समझ जाना चाहिए था। जो कुछ यहाँ पे होता रहा है वो आपकी बेटी के साथ पहली दफा तो नहीं हुआ है। वो उसकी वजह से आपको शहर छोड़ना पड़ा था ना? किशोर साहब, इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। माँ बाप तो यही कहते हैं कि गलती नहीं है। वैसे जिस जगह पे आप मौजूद हैं, कुछ अरसा पहले यहाँ पे मानूर थी, स्कूल के बच्चों को पढ़ा रही थी। मैंने बुलाया था उसे अंदर बात करने के लिए, लेकिन नजरें झुका के खड़ी रही। जाहिर है कोई बात कर ही नहीं सकी वो मेरे आगे। किशोर साहबा, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जो हुआ सो हुआ। अब नूरी मेरी रजामंदी से नौकरी कर रही है। आप मुझे बताइए अगर उससे कोई गलती हुई है। गलती? गलती नहीं कहते इसे, गुनाह हुआ है। ऐसे ख्वाब देखना जिनकी कोई तुक ही नहीं बनती, जिसे लोग सुने तो हंसेंगे आपके ऊपर, जो जो देखने की आपकी औकात नहीं है, ये गुनाह होता है। ख्वाब देखने को बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी हैसियत नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, शहराम मासूम है इसलिए उसने आपकी बेटी को काफी सारे इख्तियार दिए हैं, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि वो शहराम से शादी करने के ख्वाब देख रही है। ऐसी कोई बात नहीं है।
शहराम कम से कम सच बोलता है। उसने मेरे मुंह पे कह दिया है कि मानूर उसे पसंद है, लेकिन आपकी बेटी क्यों खामोश रही? वो काम करे, घर में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन उसके हक में यही बेहतर है कि वो शहराम से दूर रहे। मैं अब जा सकते इसको क्या हो गया? क्या हुआ अब्बा? क्या मुसीबत है? देखे मैं तो मुझे मैं कुछ मदद कर दूं आप लोगों की? कहते हैं तो कहीं छोड़ भी देता हूं। हम अपना इंतजाम खुद कर सकते हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे दाद देनी पड़ेगी आप लोगों के कॉन्फिडेंस। वो क्या कहते हैं ना, हाँ रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। गाड़ी से बाइक पर आ गए, शहर से गांव पहुंच गए, लेकिन दिमाग वहीं का वहीं। ज़बान संभाल कर बात कर, और एक बात याद रखना, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता ना, उसके दिल से डर भी खत्म हो जाता है। इससे बेहतर है तुम अपनी बकवास बंद करो। अगर यहाँ के लोगों ने तुम्हें घेर लिया ना, तो वापस जाने के काबिल नहीं रहोगे। सब ठीक है? कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? जी हमारी बाइक खराब हो गई है और इन साहब की तबीयत। बाइक तो हम संभाल लेंगे, आप प्लीज इन्हें डॉक्टर के पास ले जाइए। शहर से आए हैं बेचारे, समझ रहे हैं कि यहाँ का मौसम भी इनके हिसाब का होगा, यहाँ की आबो हवा से वाकिफ नहीं है शायद। क्या क्या हुआ आपको? सब ये तो है, ठीक है सब? कैसे ठीक है, देखे तो सही अपने आप को। बताइए क्या हुआ? जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं नहीं आपको कहीं जाने दे रहा। क्या हुआ? वो कबीर मिला था रास्ते में। कबीर? तो क्या हुआ, क्या क्या कहा उसने? क्या कहेगा वो, मैं बस सुनाकर आ गई उसे। सुनाई बहुत अच्छा किया, तो इतनी परेशान क्यों है? शराब में थक गई हूँ, इस तरह अपने खौफ से भागते भागते अपने आप से अपनी ख्वाहिशों से डरते डरते बस थक गई। और आपकी वजह से मेरी हिम्मत है, मेरा सब कुछ है, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो मेरा क्या होगा? बदतमीजी होती क्या है, ये तो मैंने बताया नहीं अभी तुम्हें सही तरह। खाना। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे बाप के सामने मुझे तुम्हारा गिरेबान पकड़ना पड़ा। उठो, बैठो इधर, बैठो इधर, आप भी प्लीज बैठिए, आइए आइए बैठिए प्लीज। अरे बैठो ना, बैठो।
देखो, महनूर और उसका सारा खानदान मेरी जिम्मेदारी है, बल्कि पूरे गांव वालों की जिम्मेदारी है। तुम जैसे बिगड़े हुए लड़के को ये क्यों लगा कि वो दनदनाता हुआ आएगा इस गांव में, सबका सुकून बर्बाद कर देगा और कोई कुछ नहीं करेगा? महनूर और उसके खानदान को तुम्हारी वजह से जो अजियत उठानी पड़ी, उसका जाला तुम मर के भी नहीं कर सकते। दो दिन दे रहा हूं तुम्हें ये गांव छोड़ के जाने के लिए, वरना महनूर को हरासा करने का ऐसा केस ठोकूंगा कि कराची से भी वकील बुला लोगे तो कुछ नहीं होगा। रब्बी, समझाइए इसको प्लीज, से पहले कि बहुत देर हो जाए। चलता हूं, खुदा हाफिज़।